हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज फिर से हम हाजिर हुए हैं आपके लिए एक और खूबसूरत सा वीडियो लेकर। तो बिना देरी की आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे टूथपेस्ट के बारे में। टूथपेस्ट तो सभी को मालूम ही होगा, सभी यूज़ करते हैं टूथपेस्ट को। आप जानते ही होंगे टूथपेस्ट हम सभी लोग ज़्यादातर हम अपने दांतों को साफ़ करने के लिए टूथपेस्ट यूज़ करते हैं। और हम किस किस में यूज़ कर सकते हैं टूथपेस्ट को, आपको मालूम है? नहीं मालूम तो कोई बात नहीं, आज हम आपको इसी बारे में बताएंगे। तो टूथपेस्ट जो है, हम अपने दांतों को साफ़ कर सकते हैं। काफ़ी लोगों को पता होगा हम ज्वेलरी वगैरह भी इससे साफ़ कर सकते हैं। जो हमारी ज्वेलरी मैली हो जाती हैं या फीकी पड़ जाती हैं, उसको भी साफ़ कर सकते हैं हम टूथपेस्ट से। और भी कई फायदे हैं टूथपेस्ट के, हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अच्छे अच्छे से कमेंट कर दीजिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो आपके गहने काले पड़ गए हैं या फिर उनकी चमक कम हो गई है तो भी आप टूथपेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। इससे आपके गहनों में चमक भी आ जाएगी और सूरत भी दिखेंगे। आप टूथपेस्ट का प्रयोग अपने गहनों की चमक लाने में भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके चेहरे पर मुहासे हो रहे हैं यानी कि पिंपल्स हो रहे हैं तो आप क्या करें, आप टूथपेस्ट को अपने जहाँ जहाँ आपके मुहासे हो रहे हैं, फेस पर पिंपल्स हुए हैं, वहाँ पर आप टूथपेस्ट लगा लें और सो जाएं और सुबह पानी से धो लें, मुहासे सूख जाएंगे। अगर आपके कपड़ों पर लिपस्टिक या स्याही के दाग लग जाएं तो परेशान मत होइए, परेशान होने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। बस दाग वाली जगह पर थोड़ा सा टूथपेस्ट लगा कर रखें और कुछ देर बाद धो लें, दाग इससे पूरी तरह से चला जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे तो हर घर में होते हैं और शैतानियाँ भी बच्चे ही करते हैं, बड़े तो करते नहीं हैं शैतानियाँ। तो अगर बच्चे घर में आपकी घर की दीवारों पर कलाकारी करने लग जाएं तो आप क्या करेंगे, आपको करना कुछ भी नहीं है, बस आप टूथपेस्ट लें और उन डब्बों पर लगाकर उसको साफ़ कर सकते हैं। इससे दीवारें भी साफ़ हो जाएंगी और दीवारों का रंग भी हल्का नहीं होगा। अगर आपके घर का आईना बहुत गंदा और धुंधला हो गया है तो बेफिक्र होकर उसे टूथपेस्ट से साफ़ करें, आईना बिल्कुल साफ हो जाएगा और धुंधलापन भी गायब हो जाएगा। खूबसूरत शाइनिंग नाखून किसे पसंद नहीं होते, सभी को पसंद होते हैं। अगर यही नाखून हमारे थोड़े थोड़े पीले और गंदे नज़र आएँ तो किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। तो खूबसूरत शाइनिंग नाखूनों के लिए आप टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए नाखून और उसके आसपास की स्किन, जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं, वहाँ पर टूथपेस्ट लगाएं और 15 मिनट के बाद ब्रश की मदद से साफ करें। इसके बाद क्यूटिकल से भी पेस्ट को अच्छी तरह से साफ कर लें। आप देखेंगे कि आपके नाखून नेचुरली वाइट हो जाएंगे और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगेंगे। अक्सर हमें दूध के बर्तनों में और बच्चों की बोतलों में हमें स्मेल आती है दूध की, तो इसके लिए हम क्या करें ताकि हमें स्मेल भी ना आए। तो आप घर में अगर दूध के बर्तनों में से महक हटानी है या बच्चों की दूध की बोतल को साफ़ करना है ताकि उसमें से स्मेल ना आए, तो आप उस बर्तन में थोड़ा सा टूथपेस्ट घुला हुआ पानी डालकर उसे अच्छे से खंगाल लें, इससे बर्तन में से दूध की महक चली जाएगी। है ना कमाल की टिप। अगर कांच के टेबल पर चाय के कप रखने से निशान बन गए हों तो उन्हें मिटाने के लिए आप टूथपेस्ट का प्रयोग करें।
निशान तुरंत साफ हो जाएंगे। अगली ट्रिक है लेडीज़ के लिए। जैसे हम लेडीज़ किचन में काम करती हैं, गर्ल्स किचन में काम करती हैं, तो अक्सर क्या होता है, जल्दबाजी में कई बार हमारी बाजू या फिर हाथ बाँह कभी भी किसी गर्म चीज़ को टच कर जाती है, जिससे क्या होता है, हमें वहाँ पे जल जाता है, जलन होने लगती है, और जलन कम नहीं होती। तो आप क्या कर सकते हैं, आप टूथपेस्ट का यूज़ कर सकते हैं। आप जहाँ पर आपको जलन हो रही है वहाँ पर आप टूथपेस्ट लगा लें, जिससे आपकी जलन भी कम होगी और आपको अच्छा भी फील होगा। तो आगे बात करते हैं हम मोबाइल फ़ोन की। आजकल मोबाइल फ़ोन तो सभी के पास होते हैं, और उन पर जब हम फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसकी स्क्रीन पर दाग धब्बे भी पड़ ही जाते हैं और स्क्रैचेस भी आ जाते हैं। तो उस समस्या का हल आपके बाथरूम में छिपा है। जी हाँ, टूथपेस्ट, थोड़ा सा टूथपेस्ट आप मोबाइल की स्क्रीन पर लगाइए और इसे मुलायम कपड़े से साफ कीजिए। देखिए स्क्रीन कैसे चमकेगी। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर अभी तक आपने हमें लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे इस चैनल को, तो अब तो लाइक सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि मैंने आपको इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स बताई हैं। तो ऐसे ही ट्रिक्स आगे हम और बताएंगे। थैंक यू सो मच।